दोस्तों वेलकम टू खेत से किचन तक। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही सीरियस इशू है। मैं हूँ यहाँ पे बत्ती मील पठानकोट मनाली हाईवे का एक छोटा सा कस्बा है, और यहाँ से कनेक्टिंग जो बसेस जाती हैं वो लंच रूट आता है यहाँ से, और आगे जाके वो मिलता है अपना हमीरपुर वाले हाईवे पे। तो बट यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देखी कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी प्लास्टिक उनकी शॉप्स का है, यहाँ पे जो छोटी सी मार्केट है, तो जितना भी प्लास्टिक है वो सारा डंप कर रहे हैं। और डंप कहाँ कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर आप देख सकते हैं भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाय है, देखो कितना सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, और देखो पास में ही एक कितनी सुंदर एक नदी है। तो ये सब आई थिंक सरकार की भी यहाँ पे गलती है और हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है सरकार द्वारा भी, और हमारी भी इरिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि किस तरह से हमने इस कचरे को यहाँ पे फेंक दिया नदी में बहने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, और जागरूक अगर लोग नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें होती रहेंगी हमेशा से। इतने सुंदर इतने साफ़ पानी में, देखो पहाड़ों का पानी लोग बोलते हैं बहुत साफ़ पानी है, बट इस तरह से जब गंदगी उसमें मिल जाएगी तो कहाँ से वो साफ़ रहेगा आगे। फिर ये पानी सारा मिक्स होके हमारी फूड सिस्टम में बनेगा, फूड चेन में जाएगा, और हमें बीमारियाँ लगना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सो मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि ये प्लास्टिक के पोल्यूशन के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लाए कि लोग कुछ इससे अपना व्यवसाय भी शुरू कर सके, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाए, और साथ साथ में इस कचरे से भी निजात पाई जा सके। अभी मैं देख सकता हूँ नदी में भी काफ़ी छोटे छोटे प्लास्टिक के थैले पड़े हुए हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हैं। इतने कितने सारे सर्वेज हुए जिसमें बताया गया है कि प्लास्टिक से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी फूड चेन में आ गए हैं। इवन जो हम फिश खाते हैं फिश में भी वो नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के आ चुके हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, हैजार्डस, कैंसरस। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस सुंदर से देखो वातावरण को इतना दूषित ना कीजिए, उसको प्रॉपर प्लास्टिक को अच्छे एक नदी में ना बहने दीजिए, और उसको अच्छे से या तो कुछ रिसाइकिलिंग के लिए भेजिए, और जो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है तो उसको आप यूज़ ही नहीं कीजिए, बिकॉज वो अल्टीमेटली डंप यार्ड में ही जाता है। गवर्नमेंट ने तो सब प्लास्टिक बैन करके रखा है, बट अभी भी लोग इलीगली इसको यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक इट्स लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि सोचना चाहिए इस बारे में, बहुत तह दिल से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्रीड के लिए, अपने पैसे के लिए हम पूरे इन्वायरमेंट को क्षति पहुँचा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। चलो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आता रहूँगा, ये सब चीज़ें गाता रहूँगा, बट प्लीज़ अपना प्लास्टिक जो भी है, जो भी डंप करना है, नदियों में डंप ना कीजिए, या तो कोई एक छोटा सा गड्ढा बना लीजिए उधर रख दीजिए, लेटर ऑन आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ नदियों में ना फेंकिए, क्योंकि नदियों से पूरा ये समुंदर तक ये जाता है आगे। धन्यवाद।